सामूहिक विवाह योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 401 जोड़ों का विवाह और निकाह कराया गया है। ये दोनों विवाह और निकाह एक ही पंडाल के नीचे कराए गए हैं और ये गवाह बने हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के एक ही समान योजना के तहत। मतलब सरकार न मुस्लिमों में भेद कर रही है न हिंदुओं में भेद कर रही है, तमाम लोगों को समान अवसर दिए जा रहे हैं इस विवाह योजना से, ऐसा प्रतीत होता है। मेरे साथ डीएम बुलंदशहर हैं, सीडीओ हैं और तमाम नव वर वधु हैं, उनसे भी हम ये जानेंगे कि इस विवाह कार्यक्रम में उनको क्या मिला, कितनी खुशी है, ये उत्सव इतने बड़े लेवल पे किस तरह से संभव हो पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये सोच है और उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो गांव में शहरों में ऐसे लोग रहते हैं जिनमें उतना आर्थिक उनके पास संसाधन नहीं है, उनके बच्चों की शादी की जिम्मेदारी सरकार ले, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी सरकार ले, और इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही सफल और बहुत ही प्रभावशाली योजना लागू की है, माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह योजना। 3 महीना पहले भी हम लोगों ने लगभग 400 से अधिक जोड़ों की शादी यहाँ कराई थी और आज इस बुलंदशहर महोत्सव में ये पंडाल में 401 जोड़ों की शादी कराई गई है, जिसमें 80 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बाकी अन्य समुदायों के लोग हैं जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। देखिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के भेदभाव के, सामूहिक रूप से आप खुद देख रहे होंगे लोगों का पूरे जनपद में जो गंगा जमुनी तहजीब है वो यहाँ देखने को मिल रही है, और यही जो सरकार का ध्येय है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसकी एक अवधारणा यहाँ परिलक्षित हो रही है। और आप सब देख रहे होंगे कितने न केवल नव दंपति प्रसन्न हैं बल्कि उनके घर वाले प्रसन्न हैं। इसमें इनको उपहार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इनके खातों में नगद धनराशि दी जा रही है, इनको प्रतिदिन उपयोग के लिए सामान दिया जा रहा है। तो इनके जो सरकार है वो इनके गार्जियन के रूप में काम कर रही है, और चूंकि हम लोगों को उनके सरकार की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का दायित्व तो है, तो बहुत ही पारदर्शी तरीके से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जो नवदंपति जोड़े हैं वो अपने जीवन में खूब खुशहाल रहें, उनको कोई कठिनाई ना आए। अगर उनको कहीं समस्या आती है तो न केवल मैं, मेरी पूरी टीम उनकी मदद करेगी। इसके अलावा ये भी हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी जोड़ों की शादी हुई है उनके शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से दिया जाए। सर, इतना भव्य कार्यक्रम कैसे संभव हो पाया? पूरा आलीशान तरीके से बड़े कायदे से कराया जा रहा है और अपनी बहन बेटियों की तरह उनको विदाई दी जा रही है। ये गरीब परिवार है, बेशक सरकार के अहम प्रयास से और आपकी जो है प्रयास से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। ये डीएम सर के मार्गदर्शन में सभी वीडियोस को निर्देश दिए गए थे, उनने व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया और उसके फलस्वरूप हमारे पास 401 जोड़े रजिस्टर हुए, जिसको कि सभी सह समय सारे खंड से विकास अधिकारियों द्वारा यहाँ पर लाया गया और ये समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ये सारी व्यवस्था की गई है। और आज देखने को मिला कि सभी जोड़ों में काफ़ी हर्ष उल्लास था, सभी लोग काफ़ी खुश देखने को मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो मुहिम है, ये जो योजना है, इसका आमजन लाभ उठा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नियम की बात करें, इसमें क्या क्या मानक हैं इस योजना के तहत, जो आम जो गरीब महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी शादी हो, वो किन किन मानकों को पार करें? जो भी गरीब वर्ग के हैं, एक निर्धारित डेडलाइन दे दी जाती है, जिसके कि पहले अगर आपकी शादी सुनिश्चित हुई है तो उसके अंदर हम लोग सभी पात्रों को ले लेते हैं, और प्रयास ये रहता है कि निचला तबका उसी को लिया जाए। अच्छा, एक दुल्हन भी मेरे साथ है। डीएम साहब ने आज कन्यादान किया है, आपका क्या कहना है? थैंक यू। सीडीओ साहब ने कन्यादान किया है, थैंक यू। और इस बड़े महोत्सव, चूंकि आप नई गृहस्थी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्या कहना है? थैंक यू। मुख्यमंत्री जी के बारे में, सरकार के बारे में किस तरह की योजना है, किस तरह का आपको लाभ मिला, कुछ कहना है? नहीं, सही है। अच्छा, आप अभिभावक हैं? नहीं। आपको ना बराती है क्या? क्या नाम है आपका? आकाश नाम है। आकाश जी, किस तरह का ये भव्य आयोजन किया गया है और किस तरह से शादी मुकम्मल? अच्छा हुआ है, सब अच्छे तरीके से हुआ है। अच्छा, तो दहेज में भी आपको कुछ मिला होगा सरकार की तरफ से? क्या क्या मिला है? थोड़ा सामान मिला है। क्या क्या? गैस। अच्छा, कुकर। पैसा भी तो मिला है? पैसा मिला है? बोलने जा रहे हैं खाते में गया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनील सर। अच्छा, सुनील। सुनील,
शादी हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर सही महसूस कर रहे हैं। कैसे करोगे? जी बढ़िया। इस तरह की योजना आपकी सरकार देखिए, पब्लिक सब बता रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके दिशा निर्देश से, सबका साथ सबका विकास के धारणा को बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई सभी धर्मों के लोगों को लाभ मिले और इन बच्चों को ये गर्व की अनुभूति हो कि जब बड़े बड़े अधिकारी और नेता इनकी शादियों में नहीं जा पाते थे और आज इतने बड़े आयोजन में सभी अधिकारीगण मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में इनके कन्यादान के लिए इनको बधाई देने के लिए उपस्थित हैं, ये भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे और आगे ये योजनाएं चलती रहेंगी। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं कि भव्य आयोजन ये बहुत जल्दी जल्दी करके और इस योजना का लाभ लोगों को दे रहे हैं। तो तमाम लोगों का, अभिभावकों का और वर वधु का यही कहना है कि जिस तरह से गरीब बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी, गरीब बच्चों की शादी नहीं हो पा रही थी, मुख्यमंत्री जी की इस योजना के तहत उन तमाम गरीबों को ध्यान में रखकर उनका नया भविष्य की शुरुआत की गई है, ये बेहद सराहनीय कदम सरकार का है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज 24 बुलंदशहर। बड़ी बड़ी गाड़ियों में दूल्हा दुल्हन को जाते हुए आपने जरूर देखा होगा, लेकिन आज यूपी के बुलंदशहर के एक शानदार तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सादगी की तस्वीर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। दूल्हा दुल्हन मोटरसाइकिल पे, दहेज भी मोटरसाइकिल पे। ये पूरी व्यवस्था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक शादी समारोह की है। शादी समारोह होने के बाद में विदा हो रहे हैं दूल्हा दुल्हन वर वधु, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस योजना के तहत उनको किस तरह से लाभ मिला। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। शादी होगी आपकी? शादी होगी। पहले तो आपको दोनों को नए और सफल जीवन का बधाई। आप क्या सोचते हैं? सही है, जो हो गया। कैसे कैसे हुआ है? कैसे हुआ क्या, अब हो गया बताओ ना। अच्छा ही हुआ जो हुआ। नहीं नहीं, किस तरह से रिश्ता हुआ, कैसे हुआ? रिश्ता हुआ था, मम्मी देखने आई थी। अच्छा। बता देती। हाँ, फिर उनकी मम्मी। अच्छा, फिर मेरी मम्मी ने भी देखा था। अच्छा, फिर इस योजना के तहत कैसा हुआ? कैसा है? इस योजना के तहत फिर हमें प्रधान जी ने गांव में बताया। अच्छा, कि ऐसे ऐसे कि हमारे पापा जी नहीं है, हम गरीब हैं, तो इसलिए कि मम्मी को भी जाते वो नहाने का। हाँ। तो इसलिए प्रधान जी ने करवाया। अच्छा, प्रधान जी ने बता दिया कि योजना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप दहेज भी है जी? ये गैस है? गैस सिलेंडर जी? नहीं, बस खाली चूल्हा है, सिंपल है, और ये बर्तन का सेट है, और बस कुकर है, और एक बक्सा है। अच्छा, हाँ जी। और शानदार दावत भी तो हुई। हाँ जी। तो दावत में क्या क्या था? जी दावत खाई नहीं है। तो चल दिए बिना दावत खाई? अरे यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो डीएम साहब, डीएम साहब भी आए थे? हाँ जी। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया? हाँ जी, आशीर्वाद। मैं नवेड़ा का रहने वाला, मैं तो पता नहीं है डीएम कौन थे, इन्हें पता होगा। अच्छा, आप कहीं की हो? हाँ जी, मैं रहने वाली हूँ जी, बिलो को होता गैम जमालपुर से। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? जी पायल। अच्छा पायल। हाँ, पढ़े लिखी हो पायल आप? जी मैंने 9th कर ली। अच्छा, तो आगे नहीं पढ़ी? नहीं। तो ये मोटरसाइकिल पर क्यों जा रही हो? आज तो इतना शानदार मौका है आपका, गाड़ी तो कम से कम कर लेती। गाड़ी किराए की करके लानी पड़ती, मोटरसाइकिल अपनी है। मतलब अपनी मोटरसाइकिल पे ही किराया का नहीं? तो ये सफर कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। क्या महसूस कर रही हो तुम, सही बता? बहुत अच्छा महसूस कर रहे। अच्छा, हाँ। नई दाम्पत्य जीवन जीने की। हाँ। और ये योजना किस तरह की थी, अच्छी योजना थी कैसी? हाँ, बिल्कुल अच्छी थी। अच्छा, हाँ। तो इसमें आपका तो कोई खर्च वर्च नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरह से आज कार्यक्रम किस तरह से हुआ था? काफी अच्छा हुआ, हम सुबह आए थे 8 बजे। हाँ जी। तो ये सादगी की तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है, एक दूल्हा और दुल्हन और साथ में दहेज का सामान एक ही मोटरसाइकिल पे सवार होकर निकल रहे हैं। अब तक आपने देखा होगा चलने की एक तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये दूल्हा दुल्हन अपने दाम्पत्य जीवन एक मोटरसाइकिल से शुरू करके निकलते जा रहे हैं शादी समारोह। शाहनवाज चौधरी, न्यूज 24 बुलंदशहर।